चल माँ का दर्द बढ़ा, ब्राह्मण होता है और बहुत वो बातें छुपा के रखती है। उसको पता था कि यदि जारवीर महाराज कारू के देशों में जाएगा, वहां की जो लेडीज हैं, जो लुगाई हैं, वो जादूगिरनी है, कहीं मेरे जारवीर महाराज को बस में न कर ले, मिंडा ना बढ़ा ले, मक्खी ना बढ़ा ले। उसने जारवीर महाराज से बात छुपा के रखी थी। अभी जारवीर महाराज बहुत ही नाराज गुस्से में आके चतरसाली में चादरा ओढ़ के महाराज लेट जाते हैं। ये विशाल जी 51 रुपए का दान जारवीर महाराज की कथा में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं बता रहा था कि जारवीर महाराज को माँ से बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी माता बाछल ने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, और मेरे को पहले बताया होता तो आज मुझे ये तराना नहीं सुनना पड़ता। और ये तराना सुन के एटी की लगी और चोटी में खटकती है, नाराज होके और चादरा ओढ़ के चत्रसाली में सो जाता है। और उधर माता बाचल बात देखती है और कैसे छत्रसाली में आके और पीर से बात करती है, कैसे भाई बात सजनो। माता बाचल को जैसे डर लगता है और मूंगा बांधियों कहती है कि मूंगा बांधी मेरा पीर नहीं आया, तो माता बाचल एक कटोरे में दूध का लोटा लेकर और माता बाचल चल देती है सजनों चत्रसाली के लिए। तो चार कली का जवाब
Thank you.
कल की है। और कैसे भाई, एक बार वार्ता में समझा और फिर लेके आ। सजनो, कहते हैं कि जैसे ही माता बाछल के महल में जोड़े पहुंचे के भाई जोड़ो, पीर नहीं आया कि हे माँ, हमारे से तो पहले पीर कभी का चला आया था कि नहीं भाई। सजनो, माता बाछल के एटी मलक का चोटी में खड़की, क्योंकि माँ के सीने में जो दिल धड़कता है बुला दो क्या बताता है। सजनो, ये किसी बाल का कांटे में लग जाए तो माँ का बहुत दर्द होता है। तो सजनो, जैसे ही माता बाछल नगरी नगरी ढूंढती हुई जाती है और कहां कि माता बाछल एक लोटा दूध का लेके और हाथ में, सजनो जैसे ही चलती है पीर तो भौरों के बीच में चादरा ताने हुए पड़ा था, क्योंकि रजपुती का जोश भी पीर के आंखों में छाया हुआ। सजनो, वो पीर का जैसे ही तराना मारे जोड़ना के भाई कारू के देश से मुकड़ी सगाई मंगा ले अपनी, इतना बड़ा छत्री है तो सजनो हमारी बहादुर कौम है राजपूतों की, क्योंकि आन पे अपनी मर मिटिया। सजनो, तो जैसे ही माता बाछल ने दूध का लोटा लेके भौरों के बीच में जाती है, हो छत्री चव्हाण सवा लाख बागड़ का धनी न खंडा हाथ में सिंते और नींद कड़ावा थी। सजनो, तो वैसी बड़ा मस्ती मा नींद आ गया जिसका बोलने लग जा। सजनो, तो कहते हैं भक्तो, जैसे ही माता बाछल बोले भाई कितना ठाऊ तो खंडे बादरिया गिले डा तरबूज समाई का भी, तो सजनो माता बाछल ने सोचा भाई देखी जाएगी, मार लेगा और के भी। तो सजनो, जैसे ही माता बाछल ने चादरा पकड़ कर खेचा पीर का, तो पीर बादशाह एकदम गुस्से से भड़के खड़े हुए, है कौन है। तो सजनो माता बाछल कहने लगे, भाई पीर मैं तेरी माता बाछल हूं, माँ चली जाओ, बस कोई और भी होती तो आज उसका मैं टीन से उतार देता। तो सजनो कहते, भाई क्या बात हो, बात तो बता, हे माँ बाछल पहले तो मैंने बता कोई कारू का देश है। तो सजनो, जैसे ही माता बाछल ने कारू के देश का नाम सुनिया, माता की तो एटी मलक का चोटी में खटकी। वो कहती है, भाई क्यों कारू का देश में ये पालन उपता है कि नहीं। बोली, है भाई। फिर वहां कोई सिंजा नाम का राजा है। बोले, है भाई। माता उसका कोई लड़की भी है। बोले, पता नहीं भाई। बोले, सच बता माई, अरे तेरा त्रिभुज सो ढेल ले। तो कहती है भाई। बोले, के नाम है। बोले, भाई सीरियल है। फिर माता, हे माई, आज तक तेरे मेरे तक क्यों नहीं बताया कि ओ राजा सिंह मेरी सगाई कर का मुख रहा। हे माई, तने क्यों नहीं बताया। बोली, हे बाबे, हे जारवीर महाराज, हे गोरख के चेले, ओ कारू का देश जादू खोरा है भाई, मैंने न्यू नहीं बताया। तेरे माखी बनाए का कूड़े में चेप देंगी, हे तेरा मिंडा बनाए का कुंटे का बांध लेंगी, हे राणे तेरा बल्द बनाया का खोलू में जोड़ लेंगी, हे मेरे लाल में तेरे कैसे मोती मुंह झोंक दूं। तो बाबा जी कहने लगे, हे माई, ये तेना अपने छत्री चौहान पे राजपूत पित्र भी की नहीं था, ये तेना लुक होकर रखी। हे माई, आज मेरी मौसी के लड़के ने मेरा ताना भरका तराना मारा, क्या भाई इतना बड़ा छत्री है तो जा अपनी मुकरी सगाई लिया। हे माता बाछल, जब तक सीरियल के साथ नहीं ब्याह कराऊंगा तब तक तेरे महल में आऊंगा, तेरा अन्न पानी नहीं खाऊंगा। तो सजनो, माता बाछल को भी बड़ा चंबा हुआ कि इस काम को कौन कर सकता है। बोला, माता मैंने बता दे मैं किसका चेला। बोला, भाई गोरखनाथ का। फिर मतलब मेरे गुरु बता दे माई की, मेरे गुरु। तो सजनो कहते हैं कि ददरेड़े से लगभग 100 किलोमीटर का फैसला है जहां गोरख किला है, और आप लोग तो गए होंगे राणा राजपूत है, तो वहां पर। बोली, भाई तेरे गुरु तो कजली खंड के बीच में तप रहा, गुरु गोरखनाथ जी तेरा गुरु है। तो सजनो बाबा जी कहने लगे, बस माई बहुत हो गया, अब मैं अपना टोलूंगा, मेरा गुरु कहाँ है। तो सजनो वहां से हो छत्री चव्हाण सवा लाख बागड़ का धनी, अम्मा बाछल का लाडला, हो राजा जेवर का लाल, हो लीले घोड़े पर सवार होकर पांचों हथियार लगा करके कजली बनखंड की तरफ निकल पड़ते हैं। हो रुद्र किसने, हो गुरु गोरखनाथ जी जो दीन दयाल, जिसके 14
सोच चले थे और तंबू के बीच में सो रहा और तिन तिन तुम्बा बाज रहा और फिर मैं किस तरह बजाऊं तुम्हें भाई। सोते सोते गोरखनाथ जी को सपना जाता है कि कौन हो नीले घोड़े का सवार हो छतरी चौहान सवा लाख बाघ का धनी कहां चला रहे बोला। तेरा तिन तिन Thank you.
धारवीर महाराज की, अम्बाबा छल की।